मिसा मानो ही बताओ एक न्यूची केयर्स की रमजान रताम सीरीज की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है माइग्रेन, आधे सर का दर्द जिसे दर्द शिकीका भी कहा जाता है। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से हम जैसे छोटे से पैसे हमें चैनल को देख लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो उसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें दोस्तों साथ उठाने वाले साथ जरूर शेयर करें, इनशाला चैनल का एक बार आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दर्द शिकीका जिसको माइग्रेन कहा जाता है, क्या वो लोग जिनको दर्द शिकीका का मर्ज मुस्तकिल है, जिनको डिसऑर्डर परमानेंट है, क्या वो लोग रोज़ा रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं? इस सूरत हाल में भी दो ऑप्शंस हैं कि वो लोग जिनका दर्द शिकीका, जिनका माइग्रेन जो है, जिनका आधे सर का दर्द वो परमानेंट है, वो मुस्तकिल है, वो मतलब उनको डेली बेसिस पे हो रहा है या फॉर अ वाइल डेली होता है, उनको एडवाइस की जाती है कि रोज़ा ना रखें। लेकिन वो लोग जिनको दर्द शिकीका जो है वो कभी कभी होता है या इन वेरी फ्यू केसेस जो है वो होता है, इन केसेस में या अगर उसको बेहतर बना लेते हैं वो अपनी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से अपनी दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं, वर्जिश करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में मसरूफ रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी एडवाइस की जाती है कि पहले अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो मोस्टली रोज़ा रख सकते हैं। दिमागी सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है न्यूट्रिशन के हवाले से, इसके लिए चंद एक तदाबीर जो है वो ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, इसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं, इसके अलावा देयर इज अ मेनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू कैन टेक टू मेक एन एडवांटेज फॉर योर मेंटल एंड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। तो आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर लगा दूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।